मार्केटिंग में लीड्स प्राप्त करना, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सन्मित्र बैंक की ओर से हम बिजनेस का कोचिंग देते रहते हैं लोगों को, और उसमें हम मार्केटिंग के बारे में भी काफी लोगों को सिखाते हैं। मार्केटिंग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है लीड्स प्राप्त करना, लीड्स को लाना। और क्या होता है, आप कोई भी मार्केटिंग करते हैं, आपका प्रोडक्ट लोगों को आप जब बेचते रहते हो, तो उसमें एक मेरे पास में चार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें यह है कि 3% जो लोग है वो ऐसे लोग है कि जो रेडी टू बाय है, 3% लोग। फिर 7% लोग जो है वो है वेरी ओपन टू बाइंग, मतलब वो उनका दिल खुला है, उनका मन खुला है और वो खरीद सकते हैं आपका प्रोडक्ट। तो 3 और 7 10 हो गए, दे आर ओपन टू बाइंग, खुला मन है उनका। फिर 30% लोग है कि जो बोलते हैं कि हम इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, मगर आज नहीं, आज इंटरेस्टेड नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने में। ऐसे 30% लोग हैं। फिर 30% लोग ऐसे हैं कि वो आपके प्रोडक्ट में रुचि बताते ही नहीं है, हमको रुचि ही नहीं, ऐसा बोलते हैं आपके प्रोडक्ट में, तो वो 30% वो छोड़ दो। और 30% ऐसे लोग हैं कि जो लोग उनको फ्री में भी दिया, फुकट में दिया, तभी भी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। तो 3% रेडी टू बाय, 7% वेरी ओपन टू बाइंग, 30% इंटरेस्टेड बट नॉट राइट नाउ, 30% नॉट इंटरेस्टेड, और 30% लोग है कि फ्री में दिया तो भी खरीदेंगे नहीं। इस तरह का मार्केट है। फिर हमको पहले कहाँ अटैक करना पड़ता है, लीड जनरेशन पहले कहाँ से होंगी, पहले हमारे वहां से होंगी कि 3, 7, 10 और ये 30 जो है, मतलब 30 और 10, 40% लोग जो है उसमें हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उसमें, और उसके वहां से हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तभी हम जितने ज्यादा लोगों के पास में पहुंचेंगे तो 40% हमको हमारे पास में आएगा, जितने ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना ये मार्केटिंग का उद्देश्य है। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, जितनी ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे, तो वहां से फिर हमारी लीड जनरेट होंगी। लीड्स एक बार आ गई हमारे पास में, तो लीड को पूर्तता करना लीड की, और सेल करना फिर वो सेल टीम का काम होता है। तो ये मार्केटिंग जो है, ये मार्केटिंग का पहला उद्देश्य है लीड प्राप्त करना। लीड प्राप्त करके लोगों तक पहुंचने के लिए एक ऐसा ग्राउंड तैयार करना कि वहां फिर हमारा माल हम बेच सकेंगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी तैयार करनी पड़ेगी कि जहां से हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा लीड आएंगे, बहुत जबरदस्त लीड आएंगे, फटाफट लीड आएंगे, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली लीड आएंगे, मतलब पूछताछ, लीड मतलब पूछताछ ना, लीड आना वो होगा। तो हमको ये करना है कि कस्टमर के पीछे हमने भागना और कस्टमर आगे आगे हम पीछे पीछे, उससे अच्छा कस्टमर हमारे तरफ आ रहा है और हम हमारे हिसाब से, हमारे रेट से अभी उसको प्रोडक्ट हमारा बेच रहे हैं, तो वो होना जरूरी है, और वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए। तो और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होना चाहिए कि एकदम सिंपल मगर पावरफुल, कि जहां से ज्यादा लीड जनरेशन आपका होगा। और वो स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं तो काफी सारी लीड तैयार होंगी, लीड्स आएंगी, माल बेचे जाएगा, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, धंधा बड़ा होगा। तो भी आपको ये लिखना है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या ठीक चल रहा है, अभी अभी जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें क्या ठीक चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट लिखो आप कि क्या क्या ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है और वहां से लीड जनरेट हो रही है, वो लिखो आप। फिर आपने ये लिखना है कि आपके मार्केटिंग में क्या ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आप मार्केटिंग तो कर रहे हैं मगर लीड जनरेट नहीं हो रही, तो क्या ठीक नहीं चल रहा है, तो वो लिखो। मैं आपको मौका दे रहा हूं, थोड़ा सा लिखने का समय दे रहा हूं। फिर अभी होता क्या है कि कुछ लोग कर्मा मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। कर्मा मार्केटिंग मतलब अपने कर्मों में होगा, अपने भाग्य में होगा तो लोग आएंगे और हम माल बेचेंगे, कर्मा मार्केटिंग। वो खुद मार्केटिंग करते नहीं, इसका मतलब मार्केटिंग ही नहीं। दूसरा जो है वो है हंटिंग। हंटिंग मतलब मार्केट में जाना, ढूंढना अपने कस्टमर कहाँ है तो, और शिकार करते जाना कस्टमर की, तो वह है हंटिंग मार्केटिंग। शिकार करते जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है मार्केट में, लोगों की तरफ जाना पड़ता है, वह है हंटिंग मार्केटिंग। जैसा यूरेका फोर्ब्स है, LIC है, वो हंटिंग मार्केटिंग करते रहते। और तीसरा है फार्मिंग। फार्मिंग मतलब बीज बोने का है, उसको खाद डालना है, पानी डालना है, सींचना है, तो फिर आराम से उसके फल आएंगे और फल बहुत जबरदस्त और बहुत बढ़िया आएंगे, वो है फार्मिंग मार्केटिंग। तो ये हम करते हैं तो इसमें बहुत फायदा होगा।
मार्केटिंग के मुख्यतः दो प्रकार है, एक है हाइजीन मार्केटिंग और एक है मैग्नेटिक मार्केटिंग। हाइजीन मार्केटिंग में भी अलग अलग टाइप्स है हाइजीन मार्केटिंग के, तो वो हम और कोई वीडियो में कवर कर लेंगे। आप इतने भी ख्याल में रखो कि एक हाइजीन मार्केटिंग है, एक है मैग्नेटिक मार्केटिंग। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। लोग मार्केटिंग के ऊपर बहुत कच्चे रहते हैं, लोगों को बहुत काम में आएगा, उनका धंधा बढ़ जाएगा। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, और हर बिजनेसमैन अमीर हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी उसको आएगी। मेरा ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स फ्री चैटिंग कर सकते हैं, और कुछ सवाल होंगे तो नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लो। थैंक यू वेरी मच।